हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं, उनकी हेल्प से हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं। जनरली जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं या जो अपना पूरा डायग्राम बनता है सर्किट्स की हेल्प से, जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड लगा के जो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, हमारा जो जनरली जैसे हम देखते हैं एनालॉग और डिजिटल के केस में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जब हम ट्रांजिस्टर वगैरह की हेल्प से अपना सिग्नल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई भी जनरेट करते हैं सर्किट, तो उसमें क्या होता है, अपने पास जब हम इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। जब हमने इनपुट अप्लाई की सर्किट के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ओके, बट लॉजिक गेट के सर्किट के केस में, बट इन लॉजिक गेट के केस में आउटपुट अपनी जो होती है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपने ऊपर। अपने ऊपर मतलब हमारे ऊपर, कि हम जो लॉजिक गेट अपने सर्किट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, हम उस लॉजिक गेट को पढ़ा लिखा के, समझा के, बहला फुसला के भेजते हैं कि तेरे को ये काम करना है। ठीक है, तो लॉजिक गेट में और जो नॉर्मल सर्किट होता है अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके अंदर बस यही डिफरेंस है कि जो नॉर्मल सर्किट अपन जो होते हैं उनके अंदर आउटपुट अपने को मिलती ही मिलती है, लेकिन जब लॉजिक गेट की हेल्प से अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो उसके अंदर आउटपुट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो हम डिपेंड कराते हैं किसके ऊपर, अपने लॉजिक गेट के ऊपर। देखो जो लॉजिक टर्म है उसका मतलब यही है कि जो अपन अप्लाई कर रहे हैं अपना सर्किट तर्क वितर्क करने लग जाता है, अपना लॉजिक जो होता है वो अपना सर्किट डायग्राम सोचने लग जाता है, कि वो सोच के रिस्पॉन्स देता है कि अभी मेरे को आउटपुट देनी है या फिर नहीं देनी। दो ही काम करेगा, या तो आउटपुट देनी है या फिर आउटपुट नहीं देनी। ठीक है, तो यही है, इसका एक लॉजिक है कि आउटपुट देनी है या नहीं देनी, ये जो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लॉजिक। अभी आउटपुट देनी है या नहीं देनी कि मतलब अपने अंदर से जो इनपुट दी है हमें, उस इनपुट को, जैसे हमें कोई भी इनपुट दी है मान लो इस गेट के पास, अगर यहाँ से कोई इनपुट दे दी इसको, तो आउटपुट में हमें आउटपुट देनी है या नहीं देनी ये सोचने का काम तो इसका हो गया। लॉजिक कर रहा है कि ना, तर्क कर रहा है ये खुद के साथ कि दें या ना दें आउटपुट में। अब अगर पास करता है या नहीं करता वो काम तो गेट का होता है, कि अपने अंदर से गुजरने देता है या नहीं गुजरने देता। तो ये कैसा होता अपना लॉजिक एंड गेट, लॉजिक गेट। गेट मतलब अपने अंदर से आउट इनपुट को क्रॉस करके आउटपुट तक पहुंचने देता है या फिर नहीं पहुंचने देता। ठीक है, ये है लॉजिक गेट, होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट ही है एक प्रकार से। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये लॉजिक गेट वाला सर्किट क्या करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। और सोचेगा क्यों, हम इसको सोचने की क्षमता देते हैं, हम इसको एक आर्गुमेंट देते हैं कि किस टाइप का इसको सोचेंगे हम, जैसे इसको संस्कार देंगे वैसा ही अपना लॉजिक गेट बन जाएगा। इसी टाइप पे लॉजिक गेट की कई टाइप बनाई जाती हैं, जैसे बेसिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल एंड अर्थमेटिक। ठीक है, ये तो इनका हमने अपनी अलग अलग उसकी करैक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया है, बाकी हैं तो सारे लॉजिक गेट। तो ये सारे लॉजिक गेट्स अलग अलग तरीके से आउटपुट देते हैं, इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। फिर हमने फर्दर पे डिवाइड किया, बेसिक तो होते हैं, हमने तीन टाइप के गेट को डिवाइड किया है, बेसिक के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर दो टाइप के गेट एंड अर्थमेटिक के अंदर भी दो टाइप के गेट। ठीक है, सारे ही क्या है, लॉजिक गेट है, तो सभी के पास हमने अलग अलग संस्कार दिए हैं इन सबको, तो अलग अलग करैक्टरिस्टिक या अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए इनको करने की, तर्क वितर्क करने की, अलग अलग लॉजिक दिया है इन सभी को। तो ये सारे लॉजिक गेट्स क्या करेंगे, अलग तरीके से आउटपुट देंगे। ठीक है, और ये आउटपुट देने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, कि हम आपको कोई एक टेबल बना के देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एक डाटा बना के दे देते हैं कि ये इनपुट होगी तो तेरे को ये आउटपुट देनी है। ठीक है, अगर हम तेरे को ये इनपुट देंगे तो तेरे को ये वाली आउटपुट देनी है। इस टेबल को क्या कहते हैं हम, ट्रुथ टेबल। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, उस लॉजिक गेट को एक टेबल बना के दे देते हैं कि इस टेबल के हिसाब से तेरे को क्या करना है, काम करना है। तो हर गेट के लिए देखो, जैसे टेबल बना के देंगे वैसा ही गेट काम करेगा, तो अलग टेबल तो अलग गेट,
अब अलग गेट होगा तो उसका अलग वे रहेगा आउटपुट देने का और उसका अलग ही नाम रहेगा। ठीक है, देखो मान लो जैसे अपने पास कोई भी हमने गेट बनाया, लॉजिक गेट, अगर उसके पास हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, देखो दो टर्मिनल है मान लो इसके पास, देखो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है टर्मिनल। ठीक है, हमने यहाँ पे ए और बी के अंदर क्या दी, इनपुट अप्लाई की, तो हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कैसे डिपेंड करेगा, हमने यहाँ पे जो सर्किट लगाया है या जो लॉजिक गेट बनाया है हमने उसके अंदर कैसी टाइम टेबल, कैसी ट्रुथ टेबल हमने इसके अंदर डाली है, उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। तो देखो ये ए और बी जो इनपुट बोल रहा हूँ भैया, ए और बी एक्चुअली में होते क्या हैं, जो ए और बी हमने बोले हैं ये सारी होते क्या हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं इधर से इनपुट देना, मतलब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ए और बी क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो वोल्टेज इधर से चली और इधर आके आ रही, इसका मतलब वोल्टेज का क्या हो रहा है, वेरिएशन। ये बेसिक है लॉजिक गेट का, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वोल्टेज वेरिएशन देखो, अगर वोल्टेज का वेरिएशन होके मिल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का वेरिएशन मतलब सिग्नल मिल रहा है अपने को। ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा मतलब सिग्नल मिल रहा है। देखो जैसे अगर टॉर्च जलाते हैं और अगर टॉर्च में से लाइट मिलती है, तो अगर देखो टॉर्च जलाई मैंने, टॉर्च में से क्या निकली, बल्ब जला, लाइट निकली बाहर, तो जो लाइट की फॉर्म में अपने को क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे अपना लाइट क्या है, सिग्नल है। ऐसे अगर इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं और अगर आउटपुट में भी रिजल्ट मिलता है अपने पास वोल्टेज का वेरिएशन होके, तो अपन क्या कह रहे हैं, वो क्या आ गया अपने पास, कोई हमें सिग्नल रिसीव हो रहा है। अब देखो जो मैंने एनालॉग और डिजिटल बता रहा था अभी, देखो दो तरह की वोल्टेज होती है, एक जो हम एनालॉग के केस में पढ़ेंगे। देखो एनालॉग के चक्कर में क्या होता है, देखो मान लो वोल्टेज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हम ग्राफ देखें, तो अगर इस टाइप से कोई ग्राफ है, देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, विद वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ओवरऑल देखें तो कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना ओवरऑल इसके अंदर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, तो देखो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन देखो ये कैसा हो गया, एनालॉग, एनालॉग सिग्नल है कि इसके अंदर वोल्टेज का वेरिएशन इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये है एनालॉग सिग्नल। अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, तो उसके अंदर क्या रहेगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ में। देखो तो यहाँ पे देखो दो ही केस बताए हैं मैंने, या तो आउटपुट यस या फिर आउटपुट नो, या तो आउटपुट मिलेगी या फिर आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अगर आउटपुट मिलती है तो हम क्या दिखाएंगे इसको, ये मिल रही है। ठीक है, आउटपुट ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है कि बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, मिल रही है इसका मतलब कि मिल रही है, ऑन है। अगर नहीं मिल रही इसका मतलब नीचे आ गई, जीरो हो गई। ठीक है, नहीं मिल रही इसका मतलब जीरो हो गई, मिल रही है इसका मतलब वन है। ओके, अगर फिर से मिलने लग गया अपने पास, ठीक है, देखो हम इसको टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अपना कोई भी टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल ये, एक टाइम अपना ये, एक ये, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कि अपने फिक्स टाइम इंटरवल बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो जाए। अब देखो इतने दो पॉइंट के लिए तो ये क्या रहा, वन वन रहा, वन वन का मतलब इनपुट अपने को आउटपुट मिली। ओके, फिर क्या हुआ, इन दोनों टाइम इंटरवल के लिए क्या हो गया, नीचे आ गया, ये आउटपुट नहीं मिली। अगर आउटपुट मिलती है इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको ऑन दिखाएंगे यहाँ वाले स्टेट में कि हमें कोई आउटपुट मिल रही है। ठीक है, फिर इन दोनों टर्मिनल्स के लिए हमें नहीं मिली, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम इंटरवल में और यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल में इसको जीरो बोलते हैं। देखो मैं दिखा बताऊँ एक बार, देखो एक्चुअल में यहाँ पे वोल्टेज जीरो नहीं होती, यहाँ पे वोल्टेज होती है कुछ 0.5 वोल्टेज की समथिंग। ओके, यहाँ पे आपको शो कर सकते हैं 4.5 वोल्टेज, लेकिन हम इसको कैसे शो करते हैं, लेवल से शो करते हैं। तो लेवल यहाँ पे ये वाला जो लेवल होता है, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम जीरो लेवल, और ये कौन सा लेवल, वन लेवल। अब वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है आउटपुट मिल रही है, मतलब यस आउटपुट मिल रही है। जीरो का मतलब आउटपुट नहीं मिल रही। अब अगर आउटपुट मिलती है अपने सिग्नल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ड्रा करेंगे अपनी लाइन, अगर नहीं मिलती है तो जीरो। अब इस इंटरवल से इस इंटरवल के अंदर अगर हमें मिल रही है सिग्नल, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन खींच देंगे। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की अगर लाइन नहीं मिल रही, आउटपुट नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और ये सिग्नल अपना आ गया नीचे।
तो ये जो सिग्नल बनाया है मैंने, ये वाला सिग्नल है अपना डिजिटल सिग्नल। ये कौन सा था? अपना एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल के अंदर और एनालॉग सिग्नल के अंदर फर्क क्या रहेगा? देखो, कंटिन्यूसली वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है, फिर कहीं डिक्रीज भी होगी थोड़ी सी, जीरो नहीं हुई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई पहले की जगह, फिर इंक्रीज हो गई ना, ओवरऑल कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एनालॉग सिग्नल के अंदर। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या रहेगा? क्लियर रहेगा अपना फंडा, ठीक है? या तो सिग्नल आएगा या फिर सिग्नल नहीं आएगा। देखो, या तो सिग्नल कैसा रहेगा? वन पे रहेगा, मतलब आउटपुट मिलेगी, या फिर आउटपुट नहीं मिलेगी। बीच में ऐसी कोई स्टेज नहीं है भाई, ये ऐसे ऐसे होती आई, धीरे 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 ऐसे होती आई, ऐसे नहीं आएगा। क्या रहेगा? या तो वन रहेगा या फिर जीरो रहेगा, मतलब कि जो सिग्नल रहेंगे अपने वो कैसे रहेंगे? क्लियर रहेंगे, या तो ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, या तो यस आउटपुट मिलेगी या फिर आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है? या तो आउटपुट मिलेगी वन या फिर आउटपुट मिलेगी अपने को क्या? जीरो। अब देखो, जो वन मिली है इसके लेवल्स, यहाँ पे लो लेवल है और ये कौन सा लेवल है? इसका हाई। तो या तो आउटपुट कैसी रहेगी? हाई, या फिर रहेगी आउटपुट लो, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, आउटपुट पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी, ठीक है? ये था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। ओके, देखो, ये जो डिजिटल सिग्नल्स थे इसको हम डिजिटल वेव बोल सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को हम बोल सकते हैं डिजिटल वेव, या फिर बॉक्स वेव भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल्स जो अपने लॉजिक गेट्स के अंदर हम अप्लाई करेंगे, वो सारे सिग्नल इस फॉर्म में चलते हैं, डिजिटल वेव की फॉर्म में। तो हमें ये वेव फॉर्म पता होनी चाहिए, इस वेव फॉर्म को देख के हम बाइनरी फॉर्म इसके बना सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में मान लो अपने पास बाइनरी फॉर्म दिया हो, तो हमें उसकी डिजिटल वेव बनानी आनी चाहिए, और अगर डिजिटल वेव दी हो तो हमें उसका बाइनरी पता करना आना चाहिए, क्योंकि लॉजिक गेट जो चलेंगे वो चलेंगे किस पे? वन और जीरो पे। और वन और जीरो कैसे नंबर हैं? बाइनरी नंबर है, ठीक है? और वन और जीरो को हमने क्या बताया था? बिट। वन को क्या बोलते हैं? बिट। और जीरो को भी क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। वन क्या है? एक बिट के, एंड जीरो भी क्या है? एक बिट। और ये कैसे हैं? बाइनरी, ठीक है? बाइनरी में तो बताया था कि जीरो और वन होता है, और इनका बेस कितना होता है? टू। अब मान लो मैं आपको लॉजिक गेट पढ़ाने से पहले ये सिग्नल बता देता हूँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मान लो अपने पास क्या है? अपने पास 10011, ये अपने पास कोई गिवन है डाटा, ठीक है? अब अपने को इससे क्या बनानी है? डिजिटल वेव बनानी है, क्योंकि तो अपने लॉजिक गेट्स जो वो होते हैं वो तो डिजिटल वेव की लैंग्वेज समझते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, तो हमें डिजिटल वेव बनानी है इसके। देखो, तो मैंने ये बताया कि ये वाला लेवल तो कौन सा रहेगा? जीरो लेवल। और जो ये वाला लेवल रहेगा ये कौन सा रहेगा? वन लेवल, ठीक है? अब इंटरवल बना लेते हैं, टाइम इंटरवल, फिक्स इंटरवल। देखो, ये तो हो गया वोल्टेज और ये रह गया अपना टाइम। अब कब वोल्टेज मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो कैसे पता लगेगा? इससे। देखो, ये क्या है? वन। इसका मतलब अपना ये कहाँ पे है? वन यहाँ पे है, ठीक है? दूसरा क्या है? जीरो जीरो, मतलब कि नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है उसके लिए भी जीरो और उससे आगे वाले के भी लिए जीरो, ठीक है? अब इसको ऐसे मिला दो, उससे आगे वाले के लिए क्या है? वन। इसका मतलब इस वाले टाइम इंटरवल के लिए आउटपुट हमें मिल रही है, उससे नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रही है, ठीक है? अब इसको ऐसे मिला दो, तो ये जो बाइनरी अपने पास गिवन था इससे हमारा डिजिटल वेव हमने क्या कर ली? जनरेट कर ली। देखो, पहले टाइम इंटरवल के लिए आउटपुट यस वन, हमने क्या कर दिया? इसको हाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए जीरो और जीरो, दोनों के लिए जीरो है, तो जीरो जीरो, फिर दोनों नेक्स्ट के लिए वन और वन, ठीक है? ये बन गया डिजिटल वेव। तो ऐसे ही अगर अपने पास क्या हो? डिजिटल वेव गिवन हो, तो हमें क्या बनाना आना चाहिए? उसका बाइनरी बनाना आना चाहिए। देखो, अपने पास वेव गिवन है ये वाले, ठीक है? देखो, हम इसका बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे कैसा है? देखो, ये उसका जीरो लेवल और ये इसका वन लेवल। तो यहाँ पे आउटपुट मिल रही है नहीं मिल रही? देखो, अगर जीरो लेवल पे तो आउटपुट नहीं मिल रही, मतलब जीरो। इस टाइम इंटरवल के अंदर
आउटपुट कैसी है अपनी, हाई, इसका मतलब यहाँ पे वन, और इस टाइम इंटरवल के अंदर भी वन, इस टाइम में जीरो, इस टाइम में जीरो, यहाँ से यहाँ तक के लिए वन। तो अब अपना बाइनरी फॉर्म क्या बन जाएगा, जीरो वन वन, जीरो वन वन, जीरो जीरो, जीरो जीरो वन। तो इस डिजिटल वेव से हमने क्या बना दिया, इसका बाइनरी बना दिया, ठीक है। तो बाइनरी से डिजिटल और डिजिटल से वेव आपको बनाने आने चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे दे कि बाइनरी फॉर्म दे रखी है उसकी, वेव फॉर्म की हेल्प से बनाओ कि आउटपुट में अपनी वेव कैसी बनेगी, इस लॉजिक गेट में जो हम ये वाला बाइनरी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में वेव कैसे बन के आएगी वो बना के दिखाओ, ठीक है। तो ये सारा आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे मानो ये अपना क्या है, कोई लॉजिक गेट दे दिया, ठीक है। देखो बताता हूँ लॉजिक गेट क्या काम करता है। ये अपना क्या दे दिया, कोई एक लॉजिक गेट दे दिया, और इस लॉजिक गेट के ऊपर इनपुट दे दी क्या, इस गेट पे ऊपर इनपुट दे दी ये वाली, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट, आउटपुट लिख देते हैं हम वाई से। तो अगर हमारी आउटपुट आती है क्या, देखो हमारी आउटपुट आएगी ये, देखो अगर मैं इसको बाइनरी में जनरेट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आउटपुट कितनी मिल रही है, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है वन, यहाँ पे वैल्यू जीरो, यहाँ पे वन, मतलब अपना कैसा है वन जीरो वन, ठीक है। अब हमने इनपुट में अप्लाई किया ये वाला केस, ये हमारा क्या है लॉजिक गेट, आउटपुट क्या मिली, ठीक है। देखो इसको हमने बताया है कि तेरे को ये आउटपुट देनी है, तो वो क्या कैसे बताते हैं हम इसको, कोई टेबल दिखाते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से लॉजिक गेट अपना काम करता है। अब अगर आउटपुट में अगर ये ही दे रहा है इसकी वेव, तो देखो ये क्या बन के आई है, ये है जीरो, ठीक है, वन, और ये क्या है जीरो। तो इसने इनपुट को क्या बना दिया, जीरो वन जीरो, इनपुट का बना दिया इसने आउटपुट, और किया दिया, देखो जब इनपुट में अगर वन था मतलब हाई था तो आउटपुट क्या आई, जीरो आई। जब इनपुट हमने जीरो दिया तो क्या दिया, आउटपुट इसने वन दिया। जब हमने इनपुट वन दिया तो आउटपुट क्या आया, जीरो आया। इसका मतलब इस गेट ने क्या काम किया है, हमने जो कहा, जो हमने दिया उसका क्या किया इसने, अपोजिट किया है, या फिर क्या किया है उसका उल्टा किया है। तो इस लॉजिक गेट का काम क्या हो गया, जो भी इनपुट देंगे उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर हम इसको देंगे वन तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर हम इसको देंगे जीरो तो ये क्या कर देगा, वन। अब ये लॉजिक गेट इसी फंक्शन, जैसे इसने क्या काम किया, इसको उल्टा करना किया, कुछ लॉजिक गेट क्या करेंगे उसका और कुछ आउटपुट बना के देंगे। अब ये कैसे उल्टा करना है या क्या करना है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम इसको, हम इसके जो ट्रुथ टेबल देते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था लॉजिक गेट का बेसिक। अभी हम पढ़ेंगे आगे इन लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। तो लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी, वन बाय वन सभी लॉजिक गेट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।